होप हॉस्पिटल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए अपनी अत्याधुनिक सुविधा के भव्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा है। होप अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर मुरली 1 फरवरी को इस महत्वपूर्ण अवसर को साकार करेंगे, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। इस दौरान डॉक्टर मुरली ने बताया कि अस्पताल को नवीनतम तकनीक और उपकरणों के साथ डिजाइन किया गया है ताकि जरूरतमंद रोगियों को शीर्ष चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके। हमें अपने उच्च योग्य डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों पर गर्व है जो यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करेंगे कि रोगियों को सर्वोत्तम संभव उपचार मिले। उद्घाटन के हिस्से के रूप में हम 2 नए कियोस्क का अनिवार्य करेंगे, एक आयुष्मान भारत योजना के लिए और दूसरा MPKAY यानी महाराष्ट्र पुलिस कुटुंब आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए। मुख्य अतिथि को दीप प्रज्वल करने के लिए आमंत्रित किया गया जो समारोह की शुरुआत का प्रतीक है और उन्हें अस्पताल में ICU और ऑपरेशन थिएटर दिखाने के लिए सैर पर भी ले जाया जाएगा। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हम अभी आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये 1 तारीख को पुलिस कमिश्नर और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जो प्रो वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी के, वो दोनों हमारे हॉस्पिटल में इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये स्कीम में 1400 सर्जरीज या प्रोसीजर्स का प्रावधान है और हम ये पूरे 1400 सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक रामदास पेट में, एक टिका नाका में होप हॉस्पिटल है। दोनों सेंटर्स में वो आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और हम पहले ये ऐसा हॉस्पिटल रहेंगे जो डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल है और ये सब पूरे डिपार्टमेंट्स और जो जो सर्जरीज ये स्कीम में ऑफर किया गया है वो पूरा हम करने वाले हैं। और ये हमारे दोनों हॉस्पिटल्स मेट्रो से कनेक्टेड हैं और एक्सेसिबल हैं, बस ट्रेन कैसे भी आ सकते हैं। और हम रेगुलर कैंप्स करने वाले हैं इसको प्रमोट करने के लिए। और यदि वो उस दिन जो जो लोग आते हैं उनको सबको हम ई कार्ड प्रोवाइड करने वाले हैं, आयुष्मान भारत कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको येलो रेशन कार्ड या ऑरेंज वाला रेशन कार्ड या वाइट रेशन कार्ड जिसमें जो इनकम है वो 1 लाख पर एनम के अंदर हो, ऐसा रेशन कार्ड लाना है और आधार कार्ड लेके आना है तो हम आपको आयुष्मान कार्ड या ई कार्ड बना के हम दे देंगे। यहाँ डॉक्टर मुरली अपने विचार रखेंगे और योजना की जानकारी साझा करेंगे कि होप अस्पताल में मरीज कैसे लाभान्वित हो सके। इस जन कल्याणकारी योजना के लिए पुलिस आयुक्त भी अपने विचार साझा करेंगे और विभिन्न DCP डॉक्टर शिंदे, पुलिस मुख्यालय के डॉक्टर प्रभारी, डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा भी शामिल होंगे और भाषण देंगे। वर्तमान में वह चांसलर के प्रधान सलाहकार है और वो प्रो चांसलर सहित विभिन्न पदों पर है। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र डॉक्टर BK मुरली सहित कई छात्रों के प्रोफेसर और संरक्षण रहे हैं। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ की रिपोर्ट।